नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अच्छा बोल भैया, खड़ा हो जा, ये छोटा बच्चा। हाँ बोल। अरे बोल रहा है तो संग में तो बोल ले, अच्छी तरह बोल। वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमः समय साराय निर्धूत कलिलात्मने सारोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय ते। अरे समय सार और वर्धमान स्वामी एक ही तो हैं, वर्धमान स्वामी कार्य समय सार है, शुद्धात्मा कारण समय सार है, समय सार ही तो है। तुम समय सार हम समय सार संपूर्ण आत्मा। विचार करो, कोई बात नहीं, लेकिन भाव नहीं भूल जाना, भाव नहीं भूल जाना। क्या स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी? बोलो। ज्ञान ज्ञेयों से अत्यंत न्यारा है, व्यतिरिक्त है। और ये ज्ञान की ज्ञेयों से जो व्यतिरिक्तता, न्यारापना अथवा भिन्नता है, वो कैसी भिन्नता है? कारण कार्य की अपेक्षा। हाँ, एक तो त्रिकाल भिन्नता है, दूसरी कैसी भिन्नता है? कारण कार्य की अपेक्षा से कुछ कही थी, षट कार्य की ये भिन्नता है। षट कार्य की ये भिन्नता अर्थात ज्ञान के षट कारक ज्ञान में हैं, ज्ञेयों में नहीं है। क्रम से बोलिए, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय का कर्ता नहीं है। उल्टे फिर लगाओगे, ज्ञेय ज्ञान का कर्ता नहीं है, ज्ञान ज्ञेय का कर्ता नहीं है, ज्ञान ज्ञेय में कुछ करता नहीं है। मूल गाथा बोलो। जैसे शांति, हाँ मूल गाथा बोलो। जैसे आंख है, आंख देखती है, आग लगी, आग बुझी, गंदगी हुई, उठाई, लेकिन वो करती नहीं है। आंख देखती तो है, आंख का काम देखना है, उठाना धरना नहीं है, करना धरना नहीं है। जैसे ये पौद्गलिक आंख का दृष्टांत दिया, ऐसे ही ज्ञान नेत्र भी ऐसे ही समझना। ज्ञान ज्ञेय का कर्ता नहीं है और ज्ञेय ज्ञान का कर्ता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान का कर्ता हो, ज्ञेय ज्ञान का कर्ता हो तो ज्ञेय में विपरीतता तो है नहीं, फिर ज्ञान में विपरीतता कैसे आ गई? न्याय शास्त्र का दृष्टांत तो परीक्षा मुख वगैरह का। हाँ, ठूंठ में मनुष्य क्या है? वो ठूंठ है ही नहीं मनुष्य, और दिख रहा है मनुष्य खड़ा है कोई, पेड़ भगते दिख रहे हैं। जब पेड़ नहीं भग रहे तो पेड़ भगते क्यों दिखाई दे रहे? क्यों भग रहे, क्यों दिखाई देते? बोलो। स्थूल दृष्टांत, स्थूल में उत्तर चाहिए। स्वयं भग रहे हैं इसलिए पेड़ भगते दिखाई दे रहे। माथा घूमता है तो ऐसा लगता है पूरा कमरा घूम रहा हो, कमरा घूम जाए तो पड़ोसी की ओर दरवाजे हो जाए, बाकी दीवार फूट जाए। आज तो ऐसा लग रहा हो कि पूरा कमरा घूम रहा हो। कमरा नहीं घूमता, माथा घूमता है। माथे का इलाज करो, माथा घूमना बंद होगा, कमरा घूमना बंद दिखेगा। होगा तो तब जब घूम रहा होगा। ग्वालियर आ गया, अरे तुम ग्वालियर आ गए कि ग्वालियर आ गया? भाषा अलग होती है। हाँ, ज्ञान ज्ञेय का कर्ता नहीं है, ज्ञेय ज्ञान का कर्ता नहीं है। ज्ञेयों की ओर देखोगे तो अनंत काल में भी ज्ञानी नहीं हो सकोगे। एक वाक्य बोलो। ज्ञेयों के लक्ष्य से तृष्णा होती है, ज्ञायक के लक्ष्य से तृप्ति होती है। ज्ञायक को जानोगे तृप्ति मिलेगी, और ज्ञेयों को जानोगे तो तृष्णा बढ़ेगी। एक गेय को जानने के बाद दूसरा गेय के बाद तीसरा गेय, तीसरे के बाद चौथा गेय। गेयों को जानने की तृष्णा बढ़ती चली आ रही। गेयों के लक्ष्य से गेयों के जानने पर तृष्णा, और ज्ञायक को लक्ष्य जानेंगे तो तृप्तता होगी। विश्व जानने योग्य नहीं है, ये रूप देखने योग्य नहीं है। उसका कोई उत्कृष्ट दृष्टांत याद है? तीर्थंकर बालक का अतिशय रूप, और इंद्र ने 1000 नेत्र बना करके देखा, 1000 नेत्र बना करके। तांडव नृत्य करता ना, 1000 नेत्र बनाता है। तीर्थंकर बालक तीर्थंकर का रूप देखता है। ग्रंथकार कहते हैं तो भी तृप्ति नहीं होती। अब तीर्थंकर जैसा रूप और कहाँ है विश्व में? और तुम्हें 1000 नेत्र बना पाओगे? क्या देख देख के तृप्त होना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? और अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने ज्ञायक भाव को देखा, तृप्त हो गया, देखने योग्य दिख गया, बस दिख गया। और जो तृप्त होता है वही त्यागी होता है। तृप्त हुए स्वरूप में तृप्त हुए बिना पर भावों का त्यागी कैसे होगा? ज्ञान के होने में ज्ञेयों का कोई सहायपना नहीं है। निमित्त संबंध बनता है, लेकिन सहायपना नहीं है, सहायक नहीं है। ज्ञान के साधन ज्ञेय नहीं है, ज्ञान के साधन ये ग्रंथ नहीं है, ज्ञान का साधन ये गोष्ठी नहीं है। ज्ञायक में एकाग्र होने से ज्ञान प्रकट हुआ। कुंदकुंद स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए बताओ क्या किया? वर्धमान स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया? ज्ञायक का ज्ञान ज्ञायक से ही होगा, और ज्ञेयों का ज्ञान भी ज्ञायक के आश्रय से होगा। हाँ, ज्ञान ज्ञेयों के लिए नहीं है। जैसे दृष्टांत बोलो, उनके उदय से प्राप्त हुई लक्ष्मी पाप करने के लिए नहीं है, भोगों के लिए नहीं है, व्यसनों के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं। अन्याय की कमाई है, इसलिए चाहे जैसे खर्च करता रहे हैं, 1,00,000 रुपया, 2,00,000, 5,5 लाख डेकोरेशन में खर्च कर दे, 1 करोड़ की कार खरीद ले। कहा हो वो कार में 1-1 करोड़ की कार खरीद, और 2 साल बाद फिर बदल दी। उल्टा सीधा पैसा हो चाहे कोई खर्च कर ले, लेकिन सच पूछो तो ये पुण्य के उदय की लक्ष्मी पुण्य के लिए है। ये पैसा का दुरुपयोग है। आपको समय मिला है, समय को पा करके यदि आप समय सार की आराधना नहीं करते, समय का दुरुपयोग है। दुर्विकल्पों में घंटे 2 घंटे लगे रहते हो, विकथा में लगे रहते हो, व्यसनों में लगे रहते हो। दुरुपयोग है ये ज्ञान का, समय का, शक्ति का, बुद्धि का। शक्ति मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, तपस्या के लिए मिला है, आराधना के लिए मिला है। खूब आराधना करो, प्रशंसनीय जीवन जियो। और प्रशंसनीय कौन होता है? ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैं। आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर ली, तासे का होगा ज्ञानी जिसको प्रसन्न। शास्त्र किसे कहते हैं? ज्ञानी जिसकी रचना करते हैं। ये बच्चे में से कौन सा बच्चा पास है? अध्यापक जिसे पास करे। ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैं वह प्रशंसनीय है। मोई जिसकी प्रशंसा करते हैं वो प्रशंसनीय कैसे हो सकता है? मोई तो उल्टा करेगा। है जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा करता नहीं, और जानता ही नहीं है उसे, और जो प्रशंसा करने योग्य नहीं उसकी प्रशंसा करे। हेठ मकान बढ़िया बनाओ, अरे का मकान की प्रशंसा करे? ये परिग्रह प्रशंसनीय नहीं है। ज्ञान वैराग्य ही विश्व में प्रशंसनीय है। त्याग की प्रशंसा करो, हैं, संयम की प्रशंसा करो, सत्य की प्रशंसा करो। सद्गुणों की प्रशंसा करो, सत्कार्यों की प्रशंसा करो, सत्पुरुषों की प्रशंसा करो। ये कोई तुम्हारी ये कोई प्रशंसनीय है? प्रशंसनीय कौन? ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करता है। ज्ञान ज्ञेयों के लिए नहीं है, जैसे पुण्य के उदय की लक्ष्मी बर्बाद करने के लिए नहीं है। फैशन में कपड़े आपके पहनने लायक हैं, बिल्कुल मन मत चलाओ। वे कपड़े जब खत्म हो जाए दूसरा खरीद ले लो, ढेर मत लगाते जाओ। और ले आए और खरीद लाए, वहां गए वहां से एक ले आए, वहां से ले वहां से एक ढेर लगाए और जे फेंके जे उठाए। अरे किसी दीन दुखी का उपकार करो, जीरोधार में लगाओ, अपना समय बचाओ, कम कमाना पड़े। धर्म ध्यान में मन लगेगा, उसी परिग्रह को संभालते रहोगे, उसी परिग्रह की संभाल में लगे रहोगे, परिणाम कब संभालोगे? जैसे पुण्य के उदय की लक्ष्मी पाप कार्यों के लिए नहीं है। ये जिभ्या मिली, जिभ्या बहुत पुण्य, कितने लोगों को जिभ्या नहीं है? एक इंद्रिय अनंतानंत जीव है, उनमें जिभ्या नहीं है। अनंतानंत कह गए, अनंत समझ लो, कोई बात नहीं। निगोद में अनंत है, कितने जीव हैं? जिभ्या नहीं है। पेड़ पौधे जिभ्या नहीं है, पानी अग्नि जिभ्या नहीं है, पृथ्वी का एक जिभ्या नहीं है। दो इंद्रिय आदि में जिभ्या तो है, रसना इंद्री तो है, लेकिन ये वचन रूप भाषा नहीं है। वचन योग तो है, भाषा रूप वचन ओ ऐसे तो करेंगे, लेकिन ये भाषा रूप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। पशु तो डकराएंगे, चिल्लाएंगे, चिंगाड़ेंगे, चीखेंगे, वो सब करेंगे वो, लेकिन अब वो बोल नहीं सकते उस प्रकार। सत्य बोलने के लिए ये वचन मिली है, भाषा मिली है। झूठ मत बोलो आप, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, तत्व की प्रभा चर्चा करो, इस वाणी का दुरुपयोग मत करो। जिसने वचन बिगाड़ा उसने समस्त व्यवहार बिगाड़ा। हित मित प्रिय, मौन नहीं रह सकते आप, ऐसा समझो। इस भूमिका में मौन सर्वथा संभव नहीं है, इसलिए योग्य वचन बोलने का अभ्यास करो। ऐसे अभ्यास करो जैसे हम छोटे बच्चे हैं। क्यों मान लिया अपने को हम बहुत बड़े हैं? बिल्कुल जी मानो हम छोटे बच्चे हैं, कागज पर लिख करके जैसे बोलने का अभ्यास करते ऐसे करो। बताओ, छोटे छोटे बच्चे, इनको भाषण देना, कविता गाना कैसे बोलना सिखाते हो? कागज पर लिख लो, पीछे से बताते जाएंगे। समझ में आया ना? एक की गलती नहीं होती। इसने कहा हमारी गलती हो गई, हमें ध्यान नहीं, नहीं, तुम्हें दूसरे को ध्यान दिलाना चाहिए। सबकी गलती है, एक की गलती नहीं है, सबकी गलती। कोई काम तुम्हें सौंपा और तुम्हें नहीं कर, इनकी गलती है, ये कह रहे हमारी गलती है, नहीं तुम्हारी भी गलती, तुम्हें ध्यान दिलाना चाहिए। साधर्मी साधर्मी का स्थितिकरण करेगा कि नहीं करेगा? काय में स्थितिकरण करते हो आप? काय दूध पी लो, रोटी खाया है? जब इन कामों का ध्यान दिलाते हो, ये कपड़ा मेला हो गया, ये कपड़ा फट गया, जब इन बातों का ध्यान दिलाते हो, विषयों में सहायक हो वो साधर्मी नहीं होता। मोक्ष मार्ग में सहायक होता है, वह साधर्मी होता है। राग की पूर्ति में, कषायों की पूर्ति में सहायक होता है, वह साधर्मी नहीं है। कषायों के अभाव में सहायक होता है, वह साधर्मी होता है। स्थितिकरण काय में? स्थितिकरण मोक्ष मार्ग में। श्लोक में से बोलो, काय में स्थितिकरण? दर्शनाथ चरणाथ वापी चलताम धर्म वत्सले। हाँ, तो काय में स्थितिकरण करेंगे? श्रद्धान में, ज्ञान में, आचरण में स्थित करेंगे, वितराग भाव में स्थित करेंगे। वो खड़खड़ाता रहेगा जब तक सही नहीं लगेगा। याकूबा में लगाओगे सो नहीं लगेगा, उसी में लगेगा। आप तो जैन हैं, विचार करो कैसे जैन हो। हमारे यहां तो जिस घाट से पानी भरते हैं उसी घाट पे बिलछानी करते हैं। ये नहीं है जहाँ घाट से पानी भरो बिलछानी बा घाट पे कर देगी। इस कुएं की उस कुएं में तो होगी ही नहीं। जिस घाट से पानी भरते हैं उसी घाट पर बिलछानी कर दे। ज्ञायक का ज्ञान ज्ञायक में लगा, पुण्य की लक्ष्मी पुण्य में लगा। ये ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो अपने जल्दी से याद कर लो छह समय और फिर अपने आराम से बर्बाद कर रहे, विकथा कर रहे। बहुत बच्चों की ऐसी आदत होती है, बेचालाक प्रकृति होती है। अपनों पढ़ लेंगे लिख लेंगे, फिर दूसरे के पास बैठ के बात करें, उन्हें काम नहीं करने देंगे, उन्हें पढ़न नहीं देंगे। ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान रखो, ज्ञान ज्ञेयों के लिए नहीं है, ज्ञेय ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञेय ज्ञान के लिए नहीं है। क्या मतलब हुआ? हाँ, जैसे तमाम स्त्रियां हैं तुम्हारे लिए का, तमाम बाजार में चीजें बिक रही तुम्हारे खाए बिक रहे हैं का। कचरा इकट्ठा मत करो अपने घर में, अपने घर में कचरा इकट्ठा मत करो। दुर्विकल्पों का कचरा इस परिणाम में इकट्ठा मत करो। और ये तमाम विषय सामग्री का कचरा अनावश्यक लाए, वो खरीद लाए, वो खरीद लाए, वो खरीद लाए, वो डरी फिर रही और ले आए। ये कचरा इकट्ठा मत करो। सरकारी व्यवस्था होती है मालूम है, पुराना वो जमा करना पड़ता खजाने में, तब दूसरा लेते। एक झाड़ू दे दो, वो झाड़ू पहले महीने वाली लाओ, वो कहाँ है, जमा करो। वो अपने फेंक दई, फेंक नहीं दई, फेंक क्यों दई, जलाने में काम आती। फेंकने लायक थी कि नहीं फेंकने लायक थी पहले ये देखेंगे हम। गन्ने का पूरा रस निचोड़ करके तब थूकते हो। वस्तु का भी उपयोग करना सीखो। उठाई फेंक दी, उठाई अभिमान से अब जो तुम पहन लियो, अब जो तुम्हें दे दी। क्यों? अपने कपड़ों की व्यवस्था आप स्वयं करिए। स्वयं करिए का मतलब ये चादर, अब ये चादर हमारी हो गई खराब, सो जो तुम्हें दे दी। जो नहीं खरीद सकते, जो नहीं पहन सकते, ऐसे दीन दुखियों को दे दो, वो एक अलग बात रही। लेकिन साधर्मी साधर्मियों जो तुम्हें दे दे, काय नहीं दे दे बने तो जब आप क्या करें, तो वो क्या करें, तो वो कमरा में ले, तो कमरा में तुम काम में ले, फिर जा काट के तुम बना ले वो में से। नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम उठा कर देंगे। ये अच्छी व्यवस्थाएं नहीं, अच्छा सोच नहीं है, अभिमान की प्रवृत्तियां। कभी किसी साधर्मी को हीन मत समझो, कभी किसी साधर्मी को विशेष मत समझो। व्यवस्था अलग बात होती है, व्यवस्था की बात अलग होती है, ध्यान रखना। सुविधाएं लेना नहीं, सुविधा देना सीखो। अनुकूलता लेना नहीं, अनुकूलता देना सीखो। अनुकूलता दो काय के लिए? मोक्ष मार्ग के लिए। लगो तुम भी मोक्ष मार्ग। बहुत गंदे सोच हैं जो हमें यहां पड़े डाले हुए, आगे नहीं उठने नहीं दे रहे, उठने नहीं दे रहे। ये गंदे सोच है। और नहीं तो आत्मा तो ऐसा स्वरूप है, ऐसे उठे और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाए। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है कि नहीं है? अधोगमन स्वभाव दिखाया कहीं? अधोगमन तो अधो परिणाम के कारण होता है। अधोगमन अधो लोक में नरकादिक में गमन करता है, तो खोटे परिणाम से गमन करता है। आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है। ज्ञान ज्ञेयों के लिए नहीं है, ज्ञेय ज्ञान के लिए नहीं है। हैं तो बने रहेंगे, हमें क्या लेने देने, हम अपना काम करो। होना अलग बात है और जानने योग्य होना, उपादेय होना अलग बात है। जो है वो सब ग्रहण करने लायक है नहीं। ग्रहण करने लायक वह है जिसके ग्रहण करने से जीव को सुख हो, प्रयोजन की सिद्धि हो। इसका नाम है ज्ञान। में से ज्ञेय नहीं आते, ज्ञेय में से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान का आधार ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय का आधार ज्ञान नहीं है। ऐसी भिन्नता का नाम षटकार की ये भिन्नता स्वतंत्रता है। ज्ञान के षटकारक ज्ञान में और ज्ञेयों के षटकारक ज्ञेयों में ऐसे विचार करके, ऐसा भेद ज्ञान करके अपने उपयोग को पर द्रव्यों से तो विरक्त करो और अपने स्वरूप में लगाओ। दवा की शीशी फूट गई, क्या करोगे? गोली गोली उठा करके इकट्ठी कर लोगे और कांच कांच छोड़ दोगे। कांच भी उठा करके रखना है, लेकिन कांच फेंकने के लिए किसी को लग न जाए और गोली उठा करके रखो। अलग हे का ज्ञान, हे का त्याग करने के लिए, उपाधेय का ज्ञान, उपाधेय का ग्रहण करने के लिए, स्व का ज्ञान आश्रय करने के लिए, पर का ज्ञान। बोलो प्रविष्का में पढ़ाया था कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय को जानने करके प्रयोजन की सिद्धि कैसे करोगे? द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा जानने मात्र से प्रयोजन की सिद्धि थोड़ी होगी। पर्याय को जानकर पर्याय का आश्रय छोड़ना, पर्याय दृष्टि छोड़ना, पर्याय मूलता छोड़ना, पर्याय के लक्ष्य होने वाले राग द्वेषों को छोड़ना, गुणों को जानकर अपनी महिमा लाना और द्रव्य को जानकर द्रव्य का लक्ष्य करना, आश्रय करना, दृष्टि करना। यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन करना चाहिए। एक वाक्य तो ये लिखा टीकाकार ने, एक कलश में क्या लिखा? शुद्ध नय का अवलंबन लेकर के एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। शुद्ध नय का आश्रय करके अध्यास शुद्ध नय मुद्दत बोध चिन्ह में एकाग्र में वो कलयंत सदैव ये थे आया आश्रवोधकार में कल। शुद्ध नय का आश्रय करके है काय का अभ्यास करो? एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता, एकाग्रता का नाम ही मोक्ष मार्ग है, श्रामण्य है। अहमिको 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 कहें। कल वो जुगल जी की एक पत्रिका आ गई, सो देख रहे थे, सो एक फैशन तो चली गई। तो सम्यक दर्शन कैसे हो? सम्यक दर्शन कैसे होता है? पूछने की फैशन चल गई है। एक बढ़िया उतरा, सूखे सूखे सम्यक दर्शन के नारों से सम्यक दर्शन नहीं होता। सूखे सूखे सम्यक दर्शन के नारे लगाने से सम्यक दर्शन नहीं होता। तत्व विचार करो। तो साहब तत्व विचार कैसे करें? चिंतन कैसे करें? अरे भाई चिंतन कैसे करें ये पूछते हो, भोगों का चिंतन कैसे करते हो? भोगों का चिंतन कैसे करते हो? एक अनपढ़ स्त्री पति का चिंतन कैसे करती है? सगाई हो गई, अब बारात आने 3 दिन बाद। बोलो कैसे चिंतन कर रही वो स्त्री? पढ़ी लिखी नहीं है। पुरुषार्थ कैसे करें? विचार करो। है पवन जय 3 दिनों में अखबार रहे थे, अंजना अंजना अंजना। क्या करें? मित्र से कहा अंजना को देखने, अरे अब 2 दिन बाद देख लियो। 2 दिन तो बहुत होते, 2 दिन बाद अभी देखने। आदमी क्या कहे? तो छिपके चलो। ये अकल कैसे लगाई ये बताओ? जानने योग्य है ये जानना कठिन है, जानना कठिन नहीं है। ये विषय समझने योग्य है, बस इतनी समझ होना कठिन है। बाद बाकी विषय तो बहुत सरल है, विषय कठिन नहीं है। ये छोड़ने योग्य है, ये बात समझ में आ जाए। छोड़ना तो बहुत सरल है। आपको बताया था ना, चैन स्मोकर एक दिन में 100 सिगरेट पी जाए और एक बार सुना और जे गई छोटी। 100 गुटखा खाने वाला एक दिन छोड़ा, मुंह सूज गया, माथा सूज गया, ऐसे पकड़े बैठे है, मन नहीं लग रहा, लेकिन नहीं गुटखा नहीं खाएंगे। अब 2 दिन बाद ठीक हो गई, सारी व्यवस्था बन गई, गुटखा भी छूट गया, उपद्रव भी छूट गए। कहा ये गुटखा छोड़ो, बस सुन गए, चुप रह गए। ये प्रमाद छोड़ो, सुन गए चुप रह गए। ये अभिमान छोड़ो, सुन गए चुप रह गए। जी क्या तरीका है? जी कोई ये जिनवाणी का आदर है? जब प्रतिकूलताएं आती हैं तब भगते हो, सोचते हो घर चले जाएं, हम अपने घर चले जाएं, हैं? घर की कल्पना करो तब पता पड़े घर में कितनी अनुकूलताएं हैं। इन प्रतिकूलताओं से डर करके घर जाना चाहते हो या कहीं भी जाना चाहते हो, अनंत गुनी प्रतिकूलताएं हैं वहां। विचार तो करो, नहीं? अरे घर की भावना ज्ञानी बात है। एक बात देखी तुमने, प्रकृति की आंखें दोनों एक ही हो रहे हैं, पीछे नहीं, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे लक्ष्य पर नजर रखो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे नहीं। जिस घर को छोड़े आया घर में लौटेंगे। त्याग तो मोह के त्याग से प्रारंभ होता है, मिथ्यात्व के त्याग, बिना त्याग धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। और मोह माने क्या? ये हमारा घर है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारी बहन है। अरे रे, अब तुम कुछ त्याग नहीं कर पाओगे। ऊपर का त्याग कर दो, चाहे कच कतरो। मोह के त्याग बिना त्याग धर्म नहीं होता। त्याग के नाम पर क्या होता है? बस कुछ नहीं होता। विचार करो, जब तक तुम्हें ये दिखता है ये हमारा घर है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यही सोचो हम घर चले जाएंगे, हमें कहा हम घर से मंगा लेंगे। घर से मंगा लोगे, घरे देव सीखो ने, घरे देव तो जाओ, घर से मंगा लोगे। हम घर से मंगा लेंगे, घर से मंगा लेंगे। अरे विचार करो, घर है कहां से मंगा लेंगे। बाबा जी सुनाते थे, आरजी में मेला लगा सो आए, घर में रहते तो समय चिदानंद जी छुल्लक जी थे, तो निगाह कम थी, तो बोले बेटा बाँचो, कम उम्र थी तो उन पर बचवाया था। बोले बाँचा तो अच्छो, घरे को है कि एक लड़का है। अरे समझ लो गाओ, क्या करना है, तुम तो रहो बढ़िया, बाँचते धर्म ध्यान, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, भाषा अच्छी है, तुम आओ स्वाध्याय करो, स्वाध्याय कराओ सबको, धर्म ध्यान में लगो। बोले ठीक है। अब बड़ों की आज्ञा, भोले लोग तो, सीधे लोग तो नहीं टाल सकते, कुतर्क नहीं करेंगे। सवेरे उठे तो अपने झूला उठाओ चल रहे। बोले कहाँ जा रहे? कछु अपने सामान फामान ले आए। कहाँ से ले आओ, क्या करो? विचार करो, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। कछु सामान लेकर धद्दो मद्दो हो गो। अब बेचारे घबरा रहे, हमने की नंगे पैदा हुए थे, का घबरा रहे, घबराए का करे, नंगे पैदा हुए थे। सेठ जी क्या नुकसान हुआ तो दान की चर्चा आई। मुनीम जी बोले 50,000 का नुकसान है। बोले नुकसान, अबे का नुकसान है? रोटी खा रहे, घी खा रहे, दूध पी रहे, कपड़ा पहन रहे, घर रह रहे। का गांव से आए थे, लोटा डोल लेके तो आए थे, नौकरी करी थी, गांव से आए थे, लोटा डोल लेके आए थे, नौकरी करी थी, फिर वहां के बाद व्यापार करना शुरू करो। अरे व्यापार में बढ़त है घटत है कब जाने का बात है, अपने परिणाम क्यों घटाओ। कहाँ का घर? हम तो कबू नन्द घर आए अपने घर को पहचानने के लिए। शास्त्र हैं, अपने घर को पहचानोगे नहीं, घर की मोह कैसे छूटेगा? मोह छूटे बिना बस बेर बेर भीतर तो घर घुसा है, घर 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 घर। विचार तो करो। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह अभ्यास करो। ये अपना कैसे हो सकता है? जी पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत को, तू तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। वस्तु का स्वरूप है भाई। ज्ञान ज्ञेयों से भिन्न है। ज्ञान के लिए ज्ञेयों में मत भ्रमा अपने उपयोग को। ज्ञायक के सन्मुख होगा तो सम्यक ज्ञान तेरा अंतर से प्रकट हो जाएगा। यही जानने योग्य, यही करने योग्य। विचारना।